जी हाँ हाँ कटिंग के द्वारा जो है आम्रपाली के पौधों का कलम बनाई गई है। कुछ कलम निकल भी आई हैं और कुछ कलम जो है निकलने के लिए एकदम तैयार है। अच्छा ये कलम निकली है, यहाँ से ये जोड़ा गया है, नीचे वाला पौधा दूसरा है, ऊपर वाला पौधा दूसरा है। ये देखिए सब कलमें निकलनी चालू हो गई है। पौधा कलम की विधि के द्वारा इसके हजारों पौधे नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें नीचे वाला पौधा जो है गुठली से बनता है और ऊपर वाला पौधा लगे लगाए पौधे की कलम से तैयार करते हैं। वाह, ये सब गुठली वाले पौधे लगे हैं दादा? हाँ बीजू हैं सब। ये देखिए कितना बीजू लगा हुआ है चारों तरफ। इन बीजू पौधे का कैसे कलम लग रही है तो। ये बीजू पौधे को ऊपर से काट दिया और काटने के बाद अब ये देखिए कलम कैसे छीली जा रही है, दोनों तरफ से छील के इसके कंडक्टिंग टिश्यूज बाहर आ जाते हैं, जो पेड़ पौधे मिनरल। और ये देखिए बीजू पौधे की इस तरह से कटिंग करते हैं और इसमें इस तरह से इस कलम को लगाते हैं। दो अलग अलग पौधों को कटिंग के द्वारा जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद अब इसे पन्नी के द्वारा बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि हवा ना जा सके, पानी ना जा सके, कीड़े मकोड़े ना जाएं और बीजू पौधे का संवहन ऊतक कटिंग वाले पौधे के संवहन ऊतक से जुड़ जाए ताकि नीचे से खाना ऊपर तक पहुंच सके, मिनरल पहुंच सके, पानी पहुंच सके। और इस तरह से ये बंद गया। बंधने के बाद इसके ऊपर कीड़े मकोड़े आके इसको ना खाएं और ऊपर एक ये कैप लगा दिया, बहुत बढ़िया कैप ये। और ये हमारा कटिंग का काम पूरा हुआ।